in today's video. नाश्ता तैयार कर लिया और मैं जा रही हूँ, मुझे बहुत लेट हो रहा है। ये देखिए आप, रिक्शा में खुदा मेरी मदद को आए, खुदा मेरी मदद को जल्द आप मेरे सरों को शिफाए काबिला अल्लाह फरमाए इंशाल्लाह। दर्द हो रहा है इनके बहुत। और तो ये एक जगह मैंने सूप चढ़ा दिया सरों के लिए, सालन बताया डॉक्टर ने, थोड़ा सा छोले वाला रोटी चूर के ना, तो थोड़ा सा वो बना रही हूँ, थोड़ा सा फ्रूट्स भी विद कुकम्बर। खाना खाएंगे नहीं, पहले मना कर रहे थे खाना नहीं खाऊंगा, लेकिन खाना नहीं खाएंगे तो फिर तबीयत कैसे सेट होगी। रोटी रख लेते हैं, क्लोज कर देते हैं। सूप इसमें निकाल लिया पिंक वाले में और खाना इसमें निकाल लिया है, और अब हम चलते हैं सरू के। मम्मा अभी आ रही है बाबा को खाना देकर, आप दुआ करो ठीक है। इधर ही बैठो, इधर ही बैठो, मम्मी की बात नहीं आओ। मेरा बेटा ये नहीं, मेरी जान नहीं है, मेरे बच्चे हैं, मेरे बच्चे हैं ये। अस्सलाम वालेकुम, ये सेकंड डे है सरू हॉस्पिटल में। मैंने नाश्ता तैयार कर लिया और मैं जा रही हूँ, मुझे बहुत लेट हो रहा है। आपको वहाँ पे चल के दिखाती हूँ कि क्या हो रहा है। आइए चलते हैं, आए मेरे साथ। चुके हैं हम हॉस्पिटल, देखिए आप रिक्शा में ये सरू है मेरे, दर्द हो रहा है इनके बहुत। और मैं इनका लेकर आई थी तो अपना भी ले आई थी, तो अब मैं इनके साथ नाश्ता करूँगी। इनको मैंने करा दिया, दवाई भी पिला दी है, मतलब खिला दिए। आप लोग भी दुआ कीजिएगा इनके लिए। इस वक्त यहाँ सुबह हो रही है, मैं यहाँ नहीं, मतलब पाकिस्तान में, तो ये सफाई हो रही है कमरे की। ये वो वाला सीन याद आ रहा है मुझे, बुना भाई MBBS वाला जादू की जप्पी वाला। चले जी अब मैं जा रही हूँ, अपना ले लिए घूमेंगे घर जाके, और खाना बना के सरों के लिए डॉक्टर ने बता दिया है खाना, खाना बना कर लाती हूँ और खाना खिलाती हूँ थोड़ा सा इंशाल्लाह। अल्लाह पाक मुझे मदद करे रिकवर करने में जल्द अज जल्द, बाहर चलते हैं। तो हालत कुछ ऐसी हो रही है, है चलता है रिजवान मेडिकल पे जाके बोलना। वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और कमेंट में बताना है कैसा लग रहा है ब्लॉग, और सरों के लिए बहुत सारी दुआएं विशेस करनी हैं। अल्लाह पाक उनको सेहत कामला अल्लाह वाली लंबी जिंदगी दें इंशाल्लाह। हमें घर आने वाला है और अभी के लिए टाटा। तो ये एक जगह मैंने सूप चढ़ा दिया सरों के लिए, एक जगह सालन बताया डॉक्टर ने, थोड़ा सा छोले वाला रोटी चूर के ना, तो थोड़ा सा वो बना रही हूँ। और यहाँ सूप चढ़ा दिया है मैंने, अब मैं थोड़ा सा जो है बर्तन धो लूँ जो हॉस्पिटल से लाए हैं, और रोटी थोड़ी देर बाद बनाते हैं जब ये थोड़ा सा रेडी हो जाता है। तो सालन तैयार कर लिया है, लंच बॉक्स या क्या कहते हैं इसको, हॉट पॉट या हॉट लाइन में रख लेते हैं। थोड़ा सा मैंने क्या किया है कि थोड़ा सा फ्रूट्स भी विद कुकम्बर काट लिया है, इंशाल्लाह खाएंगे तो ज़रा तबीयत बेहतरी होगी। रोटी पकाते हैं, खाइए मेरे साथ। अब रोटी बना लेते हैं, एक गोली है बिस्मिल्लाह से बनाने लगी, तो एक फुल्का सा बना लेते हैं, हल्का सा छोटा सा, क्योंकि अब सुबह मेरे घर में सुबह को परसों रात को 12 बजे और मैंने 1 बजे रात को 1 बजे खाना स्टार्ट किया था। अब ये माशाल्लाह टाइम माशाल्लाह क्या होगा, अब 4 बजने वाले हैं नेक्स्ट डे की भी, नेक्स्ट डे मतलब फ्राइडे को सुबह छोड़ा था रात को 1 बजे थर्सडे को, और आज जो है सैटरडे है, और सैटरडे 4 बजे यानी 36 घंटे से ज़्यादा हो चुका होगा मेरे घर में, और हिसाब आप में लगाऊंगी। अभी रोटी पका रही हूँ, सूप बना लिया है सरों के लिए। आप लोगों को बहुत सारी दवाएँ रिलीज करनी है मेरे सरों के लिए, अल्लाह पाक उनको सफाई करना आज आपका फरमाए आमीन या रब्बुल आलमीन। मत भी बनाओ, मना खाएंगे नहीं, पहले मना कर रहे थे खाना नहीं खाऊंगा,
लेकिन खाना नहीं खाएंगे तो फिर तबीयत कैसे सेट होगी, इसलिए मैं गर्म से आई हूँ कि मैं खाना पका के लाऊंगी आपके लिए। तो किचन भी साफ करके जाना जरूरी है क्योंकि वापस घर पर ही आना है, वरना जेठानी जी घर में ही नहीं, मुझसे नहीं हो जाए। साफ कर लेते हैं, वाइपर लगा देते हैं। पहले जी गाड़ी निकाल रहा है मुझसे, ये हमारा बेटा जाने आ चुके तरफ, ये मेरा बेटा। मम्मा अभी आ रही है बाबा को खाना देकर, आप दुआ करो ठीक है। इधर ही बैठो, इधर ही बैठो, मम्मी की बात नहीं आओ। मेरा बेटा ये नहीं, मेरी जान नहीं है, मेरे बच्चे हैं, ये मेरे बच्चे हैं ये। मम्मी आ ली है, बाल लग गए होंगे मेरे मास्क में, चलते हैं। दरवाज़ा खोलते हैं और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हैं और सफ़र शुरू करते हैं अपना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरे हाँ मैं तो भूल गई, थैंक गॉड तुम्हें याद था, मैंने जब ही कहा था अच्छा आप याद रखना जी। तो अभी आप देख सकते हैं ये पूछने के लिए आए हैं अपने छोटे दादा को, ये हाँ आमना आई हुई हैं और यहाँ पे मरियम, मरियम भी आई हुई। मरियम क्यों आई हैं आप? नहीं पता, चले आप किन जा पाए, आप बताएं क्यों आई हैं आप? मैं तो इनके साथ आई हूं। अच्छा ये बताएंगी आप आएंगी इनके साथ आई हैं? ये भी कजन है मेरा भाई। और ये और ये एक जैसे कपड़े आमिर लियाकत के शो में जा रही हैं आप दोनों। चलें जी ये देखिए आप जैनब हो ना? मेरी ब्लॉग टीवी में लाना, टीवी में ब्लॉग में डालना, टीवी में आना चाहिए। टीवी में देखती हो आप? अच्छा कौन कर रहा है दुआ, जल्दी करो, चलो जल्दी से आ जाओ, कौन कर रहा है दुआ, चलो हंसो नहीं, हंसो नहीं, सीरियस होती है दुआ। बड़े दादा मेरी दादी की तबीयत सही कर दें। आमना आपने मिला लिया? आमना लूंगी नहीं मैं ब्लॉग में, फिर आप वाला काट दूंगी पार्ट। हाँ ठीक है अब ले लूंगी। चलें जी ये इनका भतीजा है, आप नहीं करेंगे अपने चाचा के लिए दुआ? चलें जी बहुत बहुत जजाकल्ला खैर, अल्लाह पाक आप लोगों को खुश रखे इंशाल्लाह। चलो एक हर एक चल रहा है, अल्लाह इस ऑपरेशन से एक एहसास हुआ कि औरत कमज़ोर नहीं होती है, हॉस्पिटल भी देखती है, किचन को भी देखती है, हस्बैंड को भी देखती है, पेशेंट को भी देखती है, सबको देखती है। अल्लाह का शुक्र है सब निमट गया अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह हाफिज़।